सन 1875 में चलकड़ के एक निर्धन परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ। बृहस्पतिवार को जन्म लेने के कारण इस बच्चे का नाम बिरसा रखा गया। किसे पता था कि एक दिन ये बालक जंगलों में रहने वाले समाज को उनके गौरव की याद दिलाने वाला बिरसा मुंडा बनेगा। बिरसा, बिरसा, कहाँ है रे तू? माँ, मैं इधर हूँ। तू फिर से अकेला जंगल में गया था? कहीं कोई बाघ भालू उठा ले जाता तो? माँ, तू फिकर मत कर, ये जंगल मेरा दोस्त है, इसके सभी जानवर मेरे भाई। बिरसा पढ़ाई में तेज था और ये देखकर उसका दाखिला मिशनरी स्कूल में करवा दिया गया। लेकिन वहां पढ़ने के लिए उसको जबरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा। बिरसा, ईशु के सिवाय कोई भगवान नहीं है। बिरसा, ईसाई धर्म का पालन करने से ही तुम्हारा उद्धार होगा, वरना बाकी वनवासियों की तरह जाहिल के जाहिल रह जाओगे। जैसे जैसे बिरसा बड़ा होने लगा, वो अंग्रेजों के अत्याचारों से परिचित हुआ और समझ गया कि अंग्रेज उनसे उनके जंगल छीनना चाहते हैं और ईसाई पादरी जंगल में रहने वाले सभी हिंदुओं को ईसाई बनाना चाहते हैं। आपको हमारी मदद करनी होगी ताकि हम जबरन सभी आदिवासियों को ईसाई बना सकें। ये सब देख बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया। हम आदिकाल से इन जंगलों में वास करते आए हैं, ये जंगल हमारे हैं। धर्म परिवर्तित करके अंग्रेज हमसे हमारे जंगल नहीं छीन सकते। भाइयों, अंग्रेजों के सामने मत झुको, आत्मसम्मान के लिए खड़े हो। बिरसा के अनुयायी गांव-गांव में जाकर बिरसा की इस शिक्षा का प्रचार करने लगे। उसके कहने से वनवासियों ने अंग्रेजों को लगान देना बंद कर दिया। ये सब देख अंग्रेजी हुकूमत तिल मिला गई और उन्होंने बगावत भड़काने के जुर्म के लिए बिरसा को 2.5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। लेकिन बिरसा का आंदोलन अब रुकने वाला नहीं था। ना वनवासियों ने लगान दिया, ना बेगारी की। बिरसा के छूटने पर सारे वनवासी उसके गांव में इकट्ठा हो गए। बिरसा की क्रांति की पुकार से सिंहभूमि, छायबासा और रांची के जंगल गूंज उठे। अब वक्त आ गया है जब हम अपनी जमीनें अंग्रेजों से वापस लेंगे और एक नए सतयुग का आरंभ होगा। हम इस धरती के पुत्र हैं और यहाँ हमारा राज होगा। बिरसा गांव-गांव घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा बढ़ाने लगा। बिरसा के अनुयायी तीर कमान से लड़कर भी अंग्रेजों की बंदूकों पर भारी पड़ने लगे। वे जंगल से आते और अंग्रेजों को मारकर गायब हो जाते। जिस तरह बिरसा हम पर और हमारे ठिकानों पे हमला कर रहा है, ऐसे तो ईसाई धर्म का यहाँ अंत ही हो जाएगा। बिरसा वनवासियों को ईसाई बनने नहीं देगा। हम बिरसा के सिर पर भारी इनाम रखेंगे, फिर देखते हैं वो भागकर कहाँ जाता है। हाँ, क्यों नहीं। रुपयों के लालच से भी किसी वनवासी ने बिरसा से गद्दारी नहीं की और अंग्रेजों को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। एक बार जंगल में खाना बनाने के धुएं से अंग्रेजों को बिरसा के ठिकाने का पता चल गया। सभी वनवासी सरदार बिरसा समेत पकड़े गए और उन्हें सख्त कारागार में डाल दिया गया। बिरसा की कमर और पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल उसे एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने उसके खाने में आर्सेनिक नाम का जहर डालकर उसे मरवा डाला और दुनिया को ये बताया कि वो हैजे से मर गया। मात्र 25 वर्ष की आयु में बिरसा अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया। 25 साल में इतना कुछ करने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता और यही कारण है कि बिरसा मुंडा को भगवान का अवतार माना जाता है।